अस्सलाम वालेकुम, आप सब लोग कैसे हैं? खैरियत से होंगे? आप ईद का दूसरा दिन है, कुर्बानी हो रही है अभी इस वक्त। अभी हम लोग ने कलेजी वगैरह फ्राई करी है, अब हम कड़ाने जा रहे हैं नमकीन गोश्त। नमकीन गोश्त के लिए थोड़ा चिकनाई वाला गोश्त होता है और खाली ये नमक के अंदर बनता है। देखें, आप देख सकते हैं ये नमकीन गोश्त थोड़ा चिकनाई वाला होता है। हम इसके अंदर हम डालेंगे नमक, खाली ये बनता है नमक के अंदर, और इसमें कुछ नहीं डालता ना नमकीन गोश्त में। नमक डाल के इसको हम पकाने के लिए रख देंगे, और ये थोड़ा होता है चिकना गोश्त, ये उसके अंदर बनाएंगे। नाश्ता कर रहे हैं हम, कलेजी खा रहे हैं। हाँ, कलेजी फ्राई हुई है, दम तल का पूरी साग है, यखनी पुलाव बनाएंगे मसाले वाला, यखनी बिरयानी। ये सूप के जाने फूटा हुआ, धनिया पाउडर और जीरा पाउडर डालना है। ये हम डालें लहसुन और अदरक। ये हमारी यखनी तैयार हो रही है, मसाले वाली मसाले वाला पुलाव बिरयानी बनाएंगे। इसके लिए यखनी तैयार कर रहे हैं बीस बार। और ये हमारा नमकीन गोश्त तैयार है ना, बन गया ये पूरा रेडी है हमारा गोश्त, नमकीन गोश्त। देखें, नमकीन गोश्त हमारा तैयार है। गोश्त इसी तरह बनाइएगा जैसे कि देखते ना बनता असल में, ये पूरा है बनने के। इसको स्लाइस के साथ मसाला, चाट मसाला, लेमन इसके साथ खाते हैं इसको। ये देखो, आप इसका देखें गोश्त ना सुरख हो गया, ये नमकीन गोश्त में देखें इस तरह बनता है नमकीन गोश्त। यखनी तैयार है, अब हम मसाला बनाएंगे। इसके लिए इस मिर्च 2 चमची और दालचीनी जायफल 1 चमची, 4 चमची लिया है हमने लहसुन अदरक को पेस्ट, गरम टमाटर लिए 6 अदद, हरी मिर्च लिए 10 अदद, तेज पत्ता डालेंगे इसमें हम, प्याज हमने ब्राउन करके निकाल दिया था, मसाला डालेंगे सारा, पिसा गरम मसाला, नमक, नमक डालेंगे हद जरूरत, ये हम इसके अंदर दही ऐड करेंगे 1 कप करीब, बनाई थी कि इसके अंदर डालेंगे यखनी मसाले के अंदर। अब हम यखनी को है ना खूब अच्छे जरा फ्राई कर लेंगे, खूब भूनेंगे इसको हम यखनी को। यखनी भून गई है, अब हम इसके अंदर डालेंगे ये यखनी का पानी था, ये हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। देखो, हम इसमें डालेंगे चावल,
आज हमारे यहाँ है दावत है, हमारे यहाँ सब लोग आएंगे, नमक ऐड करेंगे इसमें, सब पे जरूरत तैयार है। नमकीन गोश्त आप जब भी बनाए इसी तरह बनाए, इसी रेसिपी से, किसी की रेसिपी फॉलो नहीं करते, क्या वो लोग कढ़ाई टाइप के अंदर बनाते हैं, असल नमकीन गोश्त इसी तरह बनता है। हमारी बिरयानी तैयार है, मसालेदार बिरयानी रेडी है। अगर आपको नमकीन गोश्त की रेसिपी पसंद आए तो जरूर कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।